अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रैनास वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इजी तरीके से एक आई मेकअप लेके आई हूँ, जो आप कभी अचानक से जाना हो गया और आपके पास टाइम कम हो तो आप उसको कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, सबसे पहले अपने आईज पे लगाएंगे हम कंसीलर। तो मैं वो सब फटाफट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं कंसीलर लगा रही हूँ। अब उसको एक स्पंज से सेट करूँगी। आप सब चीज़ की डिटेल अगर चाहिए कि कैसे क्या, तो मेरे पहले वीडियो में जाइए, उसमें मैंने सब अच्छे से बताया है। ओके, हमारा कंसीलर और हमारा पाउडर सेट हो गया। अब हम ऐसा पेंसिल ब्रश लेंगे और एक ब्राउन आई शेडो लेंगे। आप चाहें तो आप, जैसे मैं अपने पहले वीडियो में बताई हूँ, सेलो टेप लगा के आप लगा सकते हैं। यहाँ मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोई भी ऐसा शेप नहीं दूंगी। मैं यही ब्रश से हल्का सा अपना कर लूँगी। आप वैसा टेप लगा के आप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक डार्क ब्राउन कलर का शेड लिया, उसको अपने आउटर वी पे लगा रही हूँ। अच्छे से लगाते हुए अपने पूरे आईज पे अंदर की ओर जाऊंगी। एक शेप आप देते रहिए, अंदर की तरफ बढ़ते रहिए। आपसे नहीं होता तो आप सेलो टेप भी लगा सकते हैं। ओके, ये देखिए, ऐसे आउटर वी की तरफ आप लगाते जाइए और अंदर की तरफ, ये देख रहे हैं आप कैसे करें, अंदर की तरफ करते जाए। आप प्लीज़ कभी भी आई मेकअप करिए तो उसको थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लीजिए और उसके बाद लगाते जाइए। ज़्यादा ले लेंगे तो वो आँख पे अजीब सा लगता है, वो कितना भी ब्लेंड करो वो ऐसा रखा हुआ रहता है। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे, ये मैंने एक ऐसा पैलेट लिया है, इसमें मैं दो गोल्डन कलर, दो से तीन जो गोल्डन कलर है उसको मिक्स करके उसको मैं अपने आईज पे अप्लाई करूँगी। आप ये देखिए, मैंने एक ऐसा पेंसिल ब्रश लिया है। ऐसा पेंसिल ब्रश से जो होता है ना, अप्लाई करने में बहुत अच्छा ऐसा शेप बन जाता है। उसके बाद आप ऐसा इसको लगा के, उसके बाद आप उसको किसी ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर लो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि बिगनर को ऐसा कुछ वो बहुत ऐसे बड़े ब्रश से नहीं बनता। तो इसी वजह से मैं ऐसे ब्रश से बना, ज़्यादातर मैं ऐसे ही ब्रश से यूज़ करती हूँ, क्योंकि फटाफट से वो हो जाता है। इस पर हमारा कंट्रोल रहता है, पेंसिल की तरह रहता है तो उस पर हमारा कंट्रोल रहता है। आप देख रहे हैं मैं कैसा कर रही हूँ। पहले थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेते जाइए और शिमर शेड को अंदर की तरफ अच्छे से पूरे आईज पे लगा लीजिए। डेट रिच, आप देख रहे हैं मैं कैसा कर रही हूँ। ऐसे ही पूरा कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट थोड़ा लीजिए, उसके बाद उसको अच्छे से अपने पूरी आईज पे लगा लीजिए। ओके, उसके बाद मैं अब एक ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, उससे मैं अपने जो भी है पूरे पे अच्छे से उसको ब्लेंड कर लूँगी, जैसे कोई हार्श लाइन ना दिखे, कुछ अलग सा ना लगे, पूरा मैं अच्छे से मैच हो जाए पूरे में। ओके, हल्के हाथों से एकदम आप करिएगा, बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं। आप देख लीजिए दोनों आँखों में फ़र्क कितना दिख रहा है। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, फटाफट से आप शेप भी देख लीजिए। मैंने बिना उसके लगाया, आपको नहीं बनता तो आप सेलो टेप लगा सकते हैं। मैं अब फटाफट से दोनों आँखों पे कर लिया, ये देखिए मैंने दोनों आँखों पे कर लिया है। अब हम लगाएंगे अपना आई लाइनर। ओके, आई लाइनर बहुत ज़रूरी होता है। आईलाइनर लगाने से हमारी आंखें बहुत खूबसूरत दिखती है। मैंने जेट ब्लैक कलर का एक आईलाइनर लिया है, उसको मैं ऐसे मिरर के सामने आप आंखों को झुका के उसको डॉट डॉट करते हुए लगाइए। मैं बिगनर के लिए बता रही हूँ, जो इजीली आईलाइनर, मैं एक वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगी ऐसा कि उसमें सिर्फ आईलाइनर का ही बताऊँगी, जैसे ईजिली आप लगा सकें। ओके, तो ये देखिए मैंने इसको डॉट डॉट करते हुए, पहले आप ऐसे डॉट डॉट कर लीजिए जैसे कि आपको शेप देने में जो आसानी मिलेगी, उसके बाद हम इसको शेप दे देंगे अच्छे से। ये देखिए आप उसको, फिर वो आपको जो होता है ना ज्वाइंट करने में, वो आपको आसानी मिलती है कि एक शेप अच्छा आता है। ओके, उसको हम ज्वाइंट कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, आप अपने हल्के हाथों से करिएगा एकदम, और कभी भी मिरर के सामने आंखों को झुका के उसको धीरे धीरे करिएगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफेक्ट आपका आईलाइनर बनेगा। अब ये देखिए, ये मेरा हो गया। अब मैं ज़रा सा इसमें विंग बनाऊंगी। ओके, आपको करना क्या है, जो आपका ये आईब्रो है और आपके कॉर्नर से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है एकदम हल्के हाथों से। ये देख लिए मैं कैसे करें, एकदम हल्के हाथों से उसके सीधे पे आप एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए, उसके बाद हम इसको वहाँ लाइन जहाँ ड्रॉ किए वहाँ से लाके
अपने आँखों का जहाँ हमने कलर लगाया था अपना आईलाइनर, वहाँ पे उसको ज्वाइन कर देंगे और फिर जो भी गैप होगा उसको हम अपने आईलाइनर से फिल कर देंगे। दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। आप दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली आने लगेगा। ये देखिए, फिर हम उसको जो भी रहेगा उसको अपना बराबर कर लेंगे। हाँ, ये देख लीजिए, ऐसा आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत ही अच्छा सा विंग बन के तैयार होगा। ये देखिए मेरा, मेरे को बहुत ज़्यादा विंग नहीं चाहिए, मेरे को इतना ही काफ़ी है। आप और ज़्यादा विंग चाहते हैं तो और ज़्यादा भी कर सकते हैं ऊपर तक। अब मैं फटाफट से अपनी दूसरी आइस में भी कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने अपने दोनों आँखों पर अच्छा सा लगा लिया है। आई होप आपको अच्छा लगता हो। ओके, अब हम आईब्रो, मैंने ये एक आईब्रो पेंसिल ली हुई है, मिस क्लियर की आईब्रो पेंसिल है। अब इससे हम अपने आईब्रो को शेप देंगे। ओके, ये देखिए, हम कभी भी आप आईब्रो को शेप देंगे तो वो बहुत ही अच्छी लगती है आँखें। आप देख लीजिए, मैं बस आपको क्या करना है, पहले अपने आईब्रोज को हल्के हाथों से एकदम अपनी पेंसिल चलाइएगा। आप आई शेडो, जो ब्राउन कलर का आई शेडो, आप उससे भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए, आप हल्के हल्के हाथों से दोनों ऊपर नीचे दोनों हल्का हल्का आप उसको कलर दीजिए। बस उसके बाद हम अच्छे से उसको आईब्रो फिल कर लेते हैं। अब एस टाइप, मेरे इसी मिस क्लेयर के जो आईब्रो पेंसिल है उसमें इस टाइप का कॉम्ब है, हम उसको इससे कॉम करके इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ओके, जैसे कि जो भी हॉर्स लाइन या कुछ भी रह गया हो वो आपस में मिल जाए। आप देख सकते हैं डिफरेंस दोनों आईब्रो में, एक कैसी दिख रही है, एक कैसी दिख रही है। आईब्रो फिल करने से, आईब्रो बनाने से हमारी आईज पे बहुत ही फ़र्क पड़ता है। आप देख सकते हैं डिफरेंट, खुद एक मैंने बनाया हुआ है, एक बिना बनाया हुआ है। अब मैं फटाफट से अपना दोनों आईब्रो सेट कर लेती हूँ। ओके, ये देखिए, मैंने दोनों आईब्रोज अपने सेट कर लिए। आप देख सकते हैं कि आईब्रो सेट करने से हमारी आँखों के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है, हमारी आँखें बहुत ही प्यारी दिखने लगती है आईब्रो सेट करने से। ओके, अब हम अपना आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने एक लक्मे का काजल लिया हुआ है, इसको हम अपने ऊपर की तरफ, आँख के ऊपर के साइड, उस पर लगाएंगे। आप कैसे भी लगाइए, मैं आँख बंद करके ऐसा लगाती हूँ। आप इसको लगा लीजिए ऊपर के आँखों के तरफ। कभी भी आप काजल या कुछ भी लगाइए तो अपने दोनों अपर एंड नीचे ऊपर दोनों की तरफ लगाना चाहिए। मैं इसको लगा लेती हूँ फटाफट, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अपने दोनों आँखों में लगा लिया। अब मैं ऐसे एक फ्लैट ब्रश लूँगी, उससे मैं एक ब्लैक आई शेडो पिक करूँगी और उसको अपने आँखों पे, ये देखिए, अपने शेप देते हुए अच्छे से, ये ध्यान से देखिएगा मैं कैसा कर रही हूँ। बस हल्के से आप इस आई शेडो के जगह काजल का भी यूज कर सकते हैं। काजल उसको लगा के उसके बाद आप उसको स्मज कर लीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ मैं आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए आप आई शेडो, और उससे आई शेडो को हमको क्या, अपने जो लाइनर है उससे ज्वाइन करना है तो बहुत ही प्यारा लगता है। ओके, ऐसे हम अपने दूसरी आँखों में भी करेंगे। आप देख लीजिए, ये ऐसा करते हुए थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लीजिएगा और उसको कर प्लेस करते जाइएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा। मैं बार बार आपको यही बोलूँगी, कोई भी चीज़ करते वक्त थोड़ा लीजिए, उसके बाद फिर ज़्यादा लीजिए। ओके, ये देखिए, आपको हल्का सा अच्छे से शेप देना है। मैंने दोनों आँखों में शेप दे दी। ये मैंने कैसे किया, आपने ध्यान से देखा, मेरे दोनों आँखों में डन हो गया। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। मेरे पास एक हाइलाइटर है और पेंसिल ब्रश है। ओके, आप उसको, ये मैंने वाइट और गोल्डन, ये दो कलर का लूँगी। आप कोई भी कलर का हाइलाइटर लगा सकते हैं जो आपकी स्किन को आपको सूट करता हो। ये देखिए, मैं उसको अपने मेकअप यानी अपने स्कार्फ तक, मैंने जैसे मैंने हाफ आइस पे लगाया है ब्लैक आई शेडो और हाफ आइस पे इनर कॉर्नर से लेकर उसमें पूरे पे लगा रही हूँ ये गोल्डन यानी हाइलाइटर। उसको अच्छे से हम आपस में मिक्स करेंगे, अलग अलग नहीं ऐसा लगना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, हल्के हाथों से लेते हुए अपने आउटर वी पे लगाते हुए, सॉरी अपने इनर कॉर्नर पे लगाते हुए उसको अंदर तरफ लगाएंगे और अपने आईब्रोज पे भी लगाएंगे। ओके, हाइलाइटर पॉइंट पे, हाइलाइट पॉइंट पे उसको अच्छे से हम लगा लेंगे। ये देख लीजिए, देखिए मैंने अपने दोनों आँखों पे लगा लिया। अब हम मस्कारा लगाएंगे। ओके, उसको आप, मैंने
आपको जो आपने पहले वीडियो में बताया है सिर्फ मस्कारा लगाना जैसे, वैसे आप खाली मस्कारा भी लगा सकते हैं या आप फेक आईलैशेस भी यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं मस्कारा का एक कोट देके फेक आईलैशेस यूज़ करूँगी। आप चाहें तो वैसा वाला स्टेप जो मैं उसमें बताई थी उसको देख के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने फेक आईलैशेस लगा लिए हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं फेक आईलैशेस, लेकिन बहुत लोग को ये बहुत हैवी लगते हैं, खासकर मुझे भी बहुत हैवी लगते हैं आप, लेकिन खूबसूरत बहुत लगते हैं। आप ऐसा करना चाहें, यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप फेक आईलैशेस नहीं यूज़ करना चाहें, जो मैंने मेरा पहला वीडियो है मैंने उसमें बताया है कि आपको अपने आईज़ को कैसे करें अपने आईलैशेस को कि वो अच्छे से फेक आईलैशेस की तरह दिखे। ओके गाइस, ये देखिए मेरा ये लुक यहाँ पे कंप्लीट हो, ये देखिए मेरी बात हो नहीं पाई, ये हमारे पीछे जो हमारे साहबजादे हैं वो आके अपना नाटक दिखा रहे हैं, बहुत ही परेशान करा था मुझे एक्चुअली, इसलिए और वीडियो में भी आ गया उसने। ओके गाइस, ये देखिए हमारा ये लुक कंप्लीट होता है। प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके ऊपर भी ये बहुत ही प्यारा लगेगा। ये देखिए इसको आप किसी भी ड्रेस के साथ कर सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा मेकअप लगेगा। आप कहीं जा रहे हैं, कोई पार्टी है कुछ है तो आप उसमें ये मेकअप कर सकते हैं इजीली, ये फटीफट से हो जाएगा, बहुत तामझाम भी कुछ नहीं करना, नॉर्मली जैसा रहता है ये वैसा ही है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, इससे हमारी आँखें बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ओके गाइस, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।